नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले एक सप्ताह में इसमें 400% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 5 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। व्यक्तियों की मौत शनिवार को हुई है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि और मौत के आंकड़े ने जिला प्रशासन को परेशान कर दिया है। जांच के साथ ही अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य तेज कर दिया गया है। पिछले एक सप्ताह में जिले में 439 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए और 5 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद पश्चिमी सिंहभूम में संक्रमित होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 11 अप्रैल को 27 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे, वहीं 17 अप्रैल को यह आंकड़ा 119 पहुंच गया। दूसरी लहर आने के बाद जिले में पहली मौत 10 अप्रैल को हुई। इसके बाद 13 अप्रैल को एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, तो वहीं 15 अप्रैल को भी एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। 17 अप्रैल को कोरोना ने 2 व्यक्तियों की जान ले ली। जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। सदर अस्पताल के अलावा अन्य अस्पतालों की भी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल को भी देखा और उसकी व्यवस्था और बेहतर करने की कोशिश हो रही है। उपायुक्त ने कहा कि पूरे जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 520 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर भी शामिल है। रेलवे अस्पताल में अन्य हम लोगों ने पूरे जिले में भी ये देखा है कि 520 बेड हम लोगों ने कोविड के लिए रिजर्व कर लिए, उसमें रेलवे भी हमें मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कोरोना टीका लगाने की भी तैयारी की गई है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी करते हुए पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि सभी रेलवे एम्प्लॉयज जो कि 45 प्लस हैं, उनकी वैक्सीनेशन जो है हम लोग बृहद स्तर से युद्ध स्तर पर कराएंगे। और इस तरीके से हम जिला में सभी के लिए टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उस तरीके से रेलवे में भी अपनी फैसिलिटी देते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर थाना क्षेत्र के जेवियर चर्च के बगल में टीपी साव बिल्डिंग के गेस्ट हाउस में रह रहे एक चक्रा इलेक्ट्रिकल वर्कर्स कंपनी के मालिक 47 वर्षीय संतोष रेड्डी की मौत कमरे के अंदर शनिवार की रात अचानक हो गई। संतोष रेड्डी हैदराबाद के निवासी थे। पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। परिजन लाश को साउथ ले गए। एक चक्रा इलेक्ट्रिकल वर्कर्स कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य करती है। कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी का कार्यालय टीपी साव बिल्डिंग में चलता है। शनिवार की रात सभी एक जगह बातचीत करने के बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। शनिवार की सुबह जब कर्मचारी उसके दरवाजे पर नॉक करने लगे तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तब कर्मचारियों ने दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। अंदर घुसकर देखा तो पाया कि वह कमरे के अंदर फर्श पर गिरे हुए हैं। कर्मचारियों ने आनन फानन में उठाकर सुबह 5:30 बजे सदर अस्पताल लाया, जहां सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने कंपनी के मालिक को मृत घोषित कर दिया। ये एक चक्र इलेक्ट्रिकल वर्क के पार्टनर थे और 2-3 दिन से उनको लूज मोशन हो रहा था, कल से थोड़ा ज़्यादा कमजोरी था, तो दवा ववा लिए थे। उसके बाद फिर 11 बजे तक रात में हम लोग साथ में थे, फिर 4:30 बजे हम लोग देखने गए तो तब तक बाथरूम में गिरे हुए थे। फिर एम्बुलेंस करके हम लोग लेके आए यहाँ, तो डॉक्टर बोले मृत हो गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना के बॉडी बिल्डर और 2020 में मिस्टर झारखंड का खिताब जीतने वाले मनुराम रवि पर चोरी का गंभीर आरोप लगा है। मनुराम रवि पर 10 लाख रुपए का सोना और नगद रुपए चुरा कर फरार होने का आरोप है। घटना 12 दिसंबर की बताई जा रही है। चक्रधरपुर पुलिस ने मनुराम रवि को फरार अभियुक्त घोषित करते हुए सोशल मीडिया में इश्तेहार जारी कर दिया है। दरअसल
मनुराम रवि एक युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसे लेकर फरार हो गया है। जिस युवती को वह लेकर फरार हुआ है उसी के घर से लाखों के सोने के जेवरात और नगद चोरी हुआ है। युवती के घर वालों ने ही मनुराम रवि को चोरी का मुख्य आरोपी बनाते हुए उस पर केस दर्ज किया है। मनुराम रवि के बारे में यह जानकारी भी मिली है कि वह पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। पत्नी को तलाक देने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट में भी वह उपस्थित नहीं हो रहा है। बता दें कि मनुराम रवि चक्रधरपुर के सेरसा जिम में बॉडी बिल्डिंग का अभ्यास करता था। मनुराम रवि ने बीते साल 2020 को 11 जनवरी को चक्रधरपुर रेल मंडल के द्वारा आयोजित की गई सीनियर स्टेट मिस्टर झारखंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था और मिस्टर झारखंड का खिताब भी जीता था। मनुराम रवि चैंपियन भी बना था। मनुराम रवि को बेहतर बॉडी बिल्डर और जिम ट्रेनर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके ऊपर लगे चोरी के गंभीर आरोप ने उसके फैंस को मायूस कर दिया है। ये मनुराम रवि रेलवे कॉलोनी चक्रधरपुर में रहते थे। पहले से ये शादीशुदा है और इनके अपनी पत्नी के साथ है। डाइवोर्स केस भी चल रहा है बंगाल के कोर्ट में। यहाँ पर ललित प्रधान के घर से इनका संपर्क हुआ, उनका घर आना जाना था इनका, और उन्हीं के बच्ची को ये अपने झांसे में लेकर के और उनके यहाँ से करीब 10 लाख रुपए का सोने का गहना और कुछ नगद पैसा ये दोनों वहाँ से लेकर के और ये लापता हो गए हैं। इस संबंध में चक्रधरपुर थाना में कांड दर्ज किया गया है। बहुत बार छापेमारी किया गया और माननीय न्यायालय से वारंट इश्तिहार की कार्रवाई की जा रही है। इनके इनको पकड़ने के लिए और सोना चोरी गया सोना के बरामदगी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और आप मीडिया बंधु से भी अपील है कि इस मैसेज को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये करें ताकि सबके पास पहुँचे। इनके द्वारा या तो किसी होटल में ये बाउंसर का काम कर रहे होंगे या किसी जिम में ट्रेनर का काम कर रहे होंगे। इस मैसेज के माध्यम से इनको इनकी गिरफ्तारी हम लोग के लिए आसान हो जाएगी, इनके बारे में सूचना प्राप्त हो जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र में संचालित बालाजी क्रशर प्लांट में शनिवार की आधी रात को 5 नकाबपोश अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने प्लांट में खड़ी लोडर मशीन को आग के हवाले कर दिया और हाईवा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। शनिवार की रात करीब 12 बजे प्लांट की दीवार फांद कर 5 नकाबपोश अपराधी अंदर घुसे और सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर जमकर उत्पात मचाया, लोडर मशीन को जला दिया और हाईवा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अपराधियों ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों को धमकी दी कि लेवी नहीं देने पर और भयानक घटना को अंजाम दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्लांट के अंदर घुसने के बाद हथियारबंद अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बना लिया और उसकी मोबाइल छीन ली, फिर पेट्रोल डालकर लोडर को आग लगा दिया। रात में कितना बजे आए थे? 12 से 12:30 के बीच में। सर कितना लोग थे? 5 लोग थे सर। वो सब कुछ बताएं क्या था? कुछ नहीं बताया था सर। आपको कहाँ काम आ रहे? हम तो सर यहाँ हमारा कुंदा सर, यहाँ हमारा सर अयोध्या सर, और इधर मारा और सुपर बाजार को भी मारा और एक लोडर ये लोडर ऑपरेटर को भी मारा सर और एक चार आदमी को हम लोग मारा। वो लोग कितना लोग थे? वो लोग 5 आदमी थे सर। 5 आदमी हम लोग यहाँ 8 आदमी रहते हैं सर। वर्दी में थे क्या? हम तो वर्दी में थे सर। नहीं नहीं वो लोग नहीं वर्दी में सर, कमांडो ड्रेस में। कमांडो ड्रेस? जी कमांडो ड्रेस में। घटना की जानकारी मिलने के बाद रविवार को प्लांट के एचआर हेड अजीत श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद किरीबुरु SDPO डॉक्टर हीरालाल रवि, गुवा थाना प्रभारी और बड़ा जामदा ओपी प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। छानने का क्या है, वो घटना हुआ, कुछ लोग आके तोड़फोड़ किया, आगे नहीं किया, चला गया। कुछ मांग को लेकर के भी कहा जा रहा है? उनका कुछ नहीं, कई लोगों के साथ मारपीट हुई है। हाँ आके मारपीट किए, तोड़फोड़ किए, चलेगा। क्या लगता है स्थानीय कोई पता नहीं, इस चीज़ में कैसे बोल सकता हूँ मैं, मेरा क्या ज्ञान हो सकता है या कोई भी कैसे बोल सकता है कौन है क्या है। हथियार और जो ड्रेस नक्सली ड्रेस से संबंधित बातें बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो उतना हथियार तो था, ऐसा कुछ नक्सली वैसा कुछ मैंने कोई ड्रेस ऐसा कुछ नहीं लोकेट कर रहा है।
किरिबुरु SDPO डॉक्टर हीरालाल रवि ने बताया कि अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह नक्सली घटना नहीं है बल्कि असामाजिक तत्वों की ओर से घटना को अंजाम दिया गया है। हुलिया के आधार पर पांचों नकाबपोश अपराधियों को तलाश किया जा रहा है और जल्द ही सभी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। छठ पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। रविवार को चैत्र छठ के अवसर पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। वर्ष में 6 माह के अंतराल पर होने वाले छठ पर्व का धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्व है। छठ का पर्व चाहे कार्तिक में हो या चैत्र में, दोनों ही 4 दिनों का होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उद्यांचल गामी सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त हो जाता है। इस बार चैत्र छठ का आरंभ 16 अप्रैल को नहाए खाए के साथ शुरू हुआ, 17 अप्रैल को खरना और 18 को संध्याकालीन अर्घ दिया गया। सोमवार को अस्तचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद 4 दिनों से चली आ रही महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा। रविवार को छठ व्रतियों ने रोरो नदी तट पर अर्घ दिया। कोरोना के वजह से लोगों का भीड़ कम था। छठ व्रतियों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ महापर्व मनाया। झारखंड सरकार ने माना कि झारखंड संक्रमण तो बढ़ रहा है लेकिन लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को पहली बार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ झारखंड की जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई और सभी दलों के लोगों से बातचीत की। रविवार को सभी सहयोगी दलों से भी बातचीत की गई। बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन लगने वाला नहीं है, स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त किया जा रहा है, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को देखते हुए सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी समारोह में 200 लोगों को जाने की इजाज़त दी गई थी लेकिन इसकी संख्या को अब घटाकर 50 कर दी गई है। मेरे झारखंड वासियों जोहार। हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक निर्णय, प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लेने लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में चीज़ों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में
बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही हैं वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो इन लोगों जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे बूढ़े नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपने मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो, नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीज़ों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं, लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें, भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, ये हम लोगों का आग्रह होगा। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।